आज तो बाबा का चैनल डिलीट करके ही रहेंगे, स्ट्राइक देते हैं। और ये लीजिए भैया, ये चली गई स्ट्राइक। अब देखते हैं यूट्यूब वाले बाबा को कौन बचाता है। दो स्ट्राइक तो आ ही गई थी, तीसरी साला हमने दे दी। अब तो यूट्यूब वाले बाबा का चैनल डिलीट होने साला कोई रोक ही नहीं सकता। बचाओ यूट्यूब वाले बाबा, बचाओ अपना चैनल। बहुत यूट्यूब में टिप्स देते थे ना दूसरों को, अब अपना चैनल बचा के दिखाओ। दे दिया तीसरी स्ट्राइक, जो करना है करके दिखाओ यूट्यूब वाले बाबा। नाम नहीं सुना तो सुन लीजिए भैया, यूट्यूब वाले बाबा को स्ट्राइक आ चुकी है। और भैया आपको पता होगा कि उनका चैनल सर बहुत ज़्यादा खतरे में है, और आपने एग्जांपल शुरू में देख ही लिया है कि मैंने उनको तीसरी स्ट्राइक भी दे दी। दो स्ट्राइक तो आ ही चुकी थी, तीसरी स्ट्राइक मैंने दे दी। अब भैया यूट्यूब वाले बाबा का चैनल डिलीट होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। बहुत यूट्यूब में टिप्स देते थे ना, अब देखो क्या करना है। आज की डेट पर आप सभी को पता है कि यूट्यूब वाले बाबा का चैनल बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, बहुत ज़्यादा खतरे पे है, और वहीं पर बहुत सारे उनके हेटर्स उनसे जल रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे उनका चैनल बच ना पाए, डिलीट हो जाए। भाई साहब एक बात सुन लो, चैनल डिलीट होना, चैनल क्रिएट होना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार अगर कोई बंदा काम करना सीख गया ना, एक चैनल डिलीट हो जाएगा ना, उसके बाद भी हजारों चैनल खड़ा करके रख देगा। और एग्जांपल है यूट्यूब वाले बाबा, 2.5 मिलियन का चैनल डिलीट हुआ और दूसरा चैनल उन्होंने ग्रो करके दिखा दिया। आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे अपने चैनल ग्रो? उसका रीजन है क्योंकि आप लोग दूसरों से जलते हो। ये वीडियो उनके लिए है जो यूट्यूब वाले बाबा से जलते हैं। यूट्यूब वाले बाबा मेरे ही शहर से बिलोंग करते हैं, यानी कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश। और आज देश में एक अपना नाम पैदा किया है सिर्फ किसके दम पे? अपने काम के दम पे। आज देश के नहीं, दुनिया के कोने कोने में लोग उनका नाम जानते हैं, यूट्यूब वाले बाबा के नाम से जानते हैं। यूट्यूब वाले बाबा के नाम से इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि वो दूसरों की मदद करते हैं। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो बताओ किसने तुम्हारी मदद कर दी, किसने कर दी? है तो मनोज दे, है तो योगी जी, कौन योगी जी, टेक्निकल योगी, है तो महात्मा जी टेक्निकल। अरे मिल के दिखा दो, कसम से बता रहा हूं, जो कहोगे ना वो करने को तैयार हूं, बिलीव कर लेना। ये फतेहपुरिया लोग हैं जिनके दिल में जगह है आप लोगों के लिए, बाकी किसी के दिल में जगह ना है भाई। आज मैं देख रहा हूं ना, जाने कितने वीडियो मैंने देखे, चाह रहे हैं कि यूट्यूब वाले बाबा का चैनल डिलीट हो जाए। लेकिन भाई किसी के मनाने से ना पड़वा नहीं मरता, और अगर पड़वा मर भी जाता है तो फतेहपुरिया लोगों के अंदर इतनी दम है कि साला एक चैनल नहीं हजार चैनल खड़े करके दिखा देंगे। ये बात समझ रहे हो ना? ये ना सोचना कि यूट्यूब वाले बाबा की पक्ष ले रहा हूं मैं। जो बंदा दिल का सही है, मैं दिल से उनसे जानता हूं, मेरे फतेहपुर शहर से है वो, मैं उनसे मिलता हूं, बैठता हूं। भाई साहब लोगों के ना एक एक लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उनके अंदर इतना एटीट्यूड आ जाता है जैसे कि साला सलमान खान की सेलिब्रिटी हो, सलमान खान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। भाई बंदे के अंदर कोई भी घमंड नहीं है यार, जा करके ऐसा लगता था, कसम से ऐसा जब मैं मिलता हूं ना उनसे, लगता ही नहीं कि किसी बड़े यूट्यूबर से मिल रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया बड़ा यूट्यूबर है तो भैया पतंजलि कर रहा है। यार सुन लो ध्यान से, पतंजलि नहीं कर रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। और बिलीव नहीं है, जाइए टेक्निकल योगी के पास, जाइए मनोज दे के पास, जाइए आप जुन्नू की टेक के पास, आपसे मिल लेना, कुत्ते की थाली में खाने को तैयार हूं। नहीं मिलने वाले भैया, क्योंकि बड़े यूट्यूबर हैं वो, आपको वो सिर्फ एक व्यूअर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। ऐसे नहीं यूट्यूब पे कोई ग्रो होता, मेहनत करनी पड़ती है, जो यूट्यूब वाले बाबा ने की है, जो हम लोग कर रहे हैं। ये फतेहपुरिया लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बात समझ रहे हो ना, दिल के बड़े होते हैं। हैं तो जुन्नू की टेक, किया प्रमोशन ना मोनेटाइजेशन वाली चीजों का, कि पैसे दे करके मोनेटाइजेशन ले लो। बताओ यूट्यूब वाले बाबा ने अगर एक भी बार इस तरीके के प्रमोशन किए, बल्कि इस तरीके के प्रमोशन के लिए लाखों रुपए मिलते हैं, दो दो तीन तीन चार चार लाख रुपए देते हैं कंपनी वाले, लेकिन नहीं किया क्योंकि ये फतेहपुरिया लोग हैं, इनका दिल बड़ा होता है, दिमाग नहीं। बात समझ रहे हो ना, अगर दिमाग से चलते तो बहुत आगे चले जाते, लेकिन इन्होंने सिर्फ लोगों की हेल्प के हिसाब से सोचा, जैसे कि हम सोच रहे हैं। हम भी YouTube के बारे में टिप्स देते हैं, बताते हैं, लेकिन गलत चीजें नहीं बताते, वही चीजें बताते हैं जो आपके लिए सही है, जिस तरीके से आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। हमने इस चैनल को ग्रो किया सिर्फ दो से तीन महीने में। कैसे?
क्योंकि दिल से काम किया। और जिस दिन तुम दिल से काम करने लगोगे ना, किसी के बाप की औकात नहीं है कि तुमको साला यूट्यूब पे वायरल होने से रोके, जैसे कि बाबा जी को वायरल होने से कोई नहीं रोक पाया। तो बाबा जी के लिए जो भी गलत वीडियो बना रहे भाई, बनाना बंद कर दो यार। एक दिल का सही बंदा अगर सही तरीके से यूट्यूब पे काम कर रहा है तो यूट्यूब कम्युनिटी का ये फर्ज बनता है कि उनका हेल्प करे, उनके पक्ष में रहे। यार ना जाने कितने लोगों की मदद की यार उन्होंने, ना जाने कितने लोगों की, गिनती नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो भाई जिस दिन उतने बड़े दिल के हो जाना, उस दिन वीडियो बनाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आज सिर्फ ग्रो होने के लिए किसी बंदे के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, ये सही चीज नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मुझे बहुत दुख लगता है। अरे बनाना ही वीडियो ना तो योगी जी के बारे में बनाइए, टेक्निकल योगी जी के बारे में बनाइए और जुन्नू की टेक के बारे में बताइए। कभी भी ये आपके विषय में अच्छा सोचे तो मुझसे बात कर लीजिएगा। अरे भैया छुआ ही नहीं देंगे, कुत्ते की तरह समझेंगे आप लोगों को। समझते हैं ना? जो भी लोग गए हो जरा से बताइए कौन आपके साथ कितना क्या कर लिया है तो मनोज दे लोग है तो मिलियन में सब्सक्राइबर, जरा जले जाना घर, भैया दिखाई नहीं देंगे तुमको। समझ रहे हो बात को? तो भाई कोई बंदा अगर हमारी कम्युनिटी में आकर के सही तरीके से काम कर रहा है तो इस देश का ये फर्ज बनता है कि उसका सपोर्ट करें। आज बाबा जी के सामने बहुत बड़ी दुर्घटना आ गई है तो हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको डिमोटिवेट करें। अगर बाबा जी ये वीडियो देख रहे हैं तो बाबा जी से रिक्वेस्ट है, और ये भी कहना चाहूंगा कि बाबा जी हम सब आपके साथ हैं। साला YouTube कम्युनिटी फतेहपुर की एक ऐसी कम्युनिटी बनके खड़ी करेंगे कि साला पूरे भारत में ऐसे यूट्यूबर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये फतेहपुरिया लोग दिल के बड़े होते हैं ना कि दिमाग के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये सिर्फ फतेहपुरिया लोग सही बताएंगे। ये दिल्ली वाले नहीं सही बताने वाले, क्योंकि फतेहपुरिया लोग दिल के बड़े होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। ये जो वंदे मातरम निकलता है ना साला, दिल से निकलता है, दिमाग से नहीं।